तो चलिए दोस्तों, आज हम नए वर्ष की शुरुआत में आप लोगों के सामने कविता पाठ करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, सर आप तो गणित पढ़ाते हो, गणित को जादुई तरीके से पढ़ाते हो, फिजिक्स पढ़ाते हो, केमिस्ट्री पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ाते हो, ऐसा आप कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई हम टीचर हैं और टीचर की एक और खासियत होती है कि वो कहीं भी रचना लिख लेता है, और मुझे रचना करने का बड़ा शौक है। हालांकि मैंने चैनल के माध्यम से बहुत कम अपने रचनाएं प्रस्तुत किया है, तो आज मैं आपको एक कविता बताने वाला हूँ, कविता सुनाने वाला हूँ। और ये कविता मैंने कब लिखा था, कैसे लिखा था, ये भी बता देता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट है ना, वो छोटे क्लास में था, मतलब 9वीं 10वीं में था, तो वो अचानक मेरे घर 7 बजे आया और बोला, सर मुझे कविता लिख कर दे दीजिए, मतलब कोटेशन लिख कर दे दीजिए, मुझे स्कूल में बोलना है। तो मैंने कहा कि भाई आप अचानक बोल रहे हो, और तो उसने कहा कि हमारे स्कूलों में ना कोटेशन बोला जाता है सुबह प्रेयर के समय, और साल भर में जो बेस्ट कोटेशन होता है, बेस्ट जो कोटेशन बोलेंगे है ना, एक सद्वाक्य कहा जाए बोलेंगे, उसको अवार्ड मिलता है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं लिख देता हूँ, लेकिन याद रखिए मैं आपको कोटेशन बताऊंगा, वो कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा, उसे मैं खुद लिखूंगा, आप मुझे थीम बता दो, आप किस टॉपिक पर चाहते हो। तो उसने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है माँ बाप पर लिख दो। तो मैं उस समय खाना खाने ही वाला था, शाम को 7 बजे की बात है, मैं खाना खाने वाला था, तो मैं बैठा और खाना खाते खाते मैंने सोच भी लिया, और थोड़ा देर बाद जब मैंने सोचा कि अरे ये तो मतलब अद्भुत है, एकदम जबरदस्त लिखा गया, मैं अचानक सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, है ना, मैं क्या जानूं भाई किसी के बारे में। तो मैंने ये क्या जानूं ये शब्द से मैंने एक छोटा सा रचना लिखा जो बहुत ही अद्भुत है। और जब उस बच्चे ने अपने क्लास के प्रेयर में जब इस कोटेशन को बोला, इस सद्वाक्य को बोला, तो साल भर बाद उसका रिजल्ट निकलता है, साल भर में जो बेस्ट कोटेशन होगा उसको अवार्ड मिलता है, और वो लड़का पहली बार बोला शायद, वो बोले थे मैंने आज तक बोला नहीं हूं सर, मैं हिम्मत कर रहा हूं बोलने का, लेकिन आप मुझे कोई अच्छा सा दो। तो मैंने उसको लिख कर दिया और उसको अवार्ड मिला, साल भर बाद उसको बेस्ट कोटेशन का अवार्ड मिला था। वो कोटेशन, वो सद्वाक्य जो मैंने स्वयं लिखा था खाना खाते हुए, मैंने उसको सोचा और लिखा, फिर रात को 10 बजे बुलाया उनको और बोला ये लो आपके माँ बाप पर मैंने लाइन लिखा है, इसको आप जरूर बोलना, बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो लाइन मैं आपको सुना रहा हूं, और हमेशा याद रखना कि अगर आपको कोई चीज करना है तो उसके लिए आप में हिम्मत होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। तो वो लाइन कौन सा है, उसके बाद मैं एक आपको और चीजें बताऊंगा जिनसे आपको मोटिवेट मिलेगा, मोटिवेशनल जो स्पीच है वो बहुत अच्छा रहता है, कभी हम किसी को प्रेरित करते हैं। तो चलिए मैं आपको वो लाइन सुना देता हूं कि मैं क्या जानूं, कि मैं क्या जानूं कि कौन है वो जो इस दुनिया को चलाती है ना, ये छोटा सा लाइन है, कि मैं क्या जानूं कि कौन है वो जो इस दुनिया को चलाती है, हवा पानी देती सबको, जो सबको खाना खिलाती है, कहते हैं ईश्वर लोग उसे, कहते हैं ईश्वर लोग उसे, पर मैं तो बस इतना जानूं, माँ बाप ही है ईश्वर मेरा, और माँ बाप को ही मैं रब मानूं, माँ बाप को ही मैं सब मानूं। ये वाला लाइन मैंने जब उसको लिख कर दिया तो वो भी एकदम खुशी के मारे उछल पड़ा, सर ये तो बड़ा जोरदार है, इसको मैं जरूर बोलूंगा, और बोला भी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई रचना करते हैं, कोई चीज करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो उसमें डूब जाना चाहिए, है ना। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, जी हाँ, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से मतलब एकदम दिल से, है ना, उसमें डूब कर तबीयत से एक पत्थर ऊपर उछालो तो यारो, है ना। अब आगे का लाइन ध्यान से सुनिएगा कि वो मूर्ख है जो कहता है, कौन मूर्ख है, अरे वो मूर्ख है जो कहता है कि पत्थर में आग नहीं होता, क्योंकि साइंस कहता है, क्योंकि हम साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस के टीचर भी हैं, तो साइंस कहता है कि चकमक को रगड़ने से आग उत्पन्न होता है, और क्योंकि चकमक एक क्या है, पत्थर है ना। तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर ऊपर उछालो तो यारो, वो मूर्ख है जो कहता है कि पत्थर में आग नहीं होता, क्योंकि साइंस कहता है कि चकमक को रगड़ने से आग उत्पन्न होता है, नहीं तो सब कुछ बेकार है ना, नहीं तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि जल जाने के बाद तो केवल राख उत्पन्न होता है। तो निश्चित रूप से यह लाइन आपको पसंद जरूर आया होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा, और आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवाहर।